गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस आपका स्वागत है हमारे चैनल विसन में। आज हम लोग अपने वीडियो का मतलब अपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 12th टॉपिक जो कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं अच्छे से कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह के लॉज, किस तरह की पॉलिसी और किस तरह से हम लोग का मतलब वेल्थ का ड्रेनेज किया गया, किस तरह से हम लोग वेल्थ को हम लोग से छीना गया और फिर किस तरह से कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे लीग, मुस्लिम लीग, इंडिया काउंसिल एक्ट आया और उसके बाद किस तरह से हम लोग वापस से रीयूनाइट हुए और किस तरह से पाकिस्तान मतलब किस तरह से एक मुस्लिम लीग का एक अलग ही मोटिव हो गया था कि मतलब मुस्लिम लोग को भारत से अलग कर देना है जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम लोग का उस समय पॉपुलेशन भारत में बहुत कम था। तो चलिए डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 जो है वो सीधे क्या हो गया कि हम लोग का जो पहले होता क्या था कि ब्रिटिश रूल का एक हाथ टाइप का था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर वो लोग रूल करते थे भारत के ऊपर। लेकिन 1857 का रिवॉल्ट जब से आया तब से देखे कि तब से ब्रिटिश रूल को पता चला कि नहीं, EIC बहुत सारे ऐसे मेल प्रैक्टिसेज है जो कि कर रही है। तो ब्रिटिश रूल को ये लगा कि अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग रूल करते हैं तो फिर ये मेल प्रैक्टिसेज कम हो जाएंगे और भारत का जो हम लोग का जो कॉमन पीपल है उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ब्रिटिश जब खुद से रूल करना चालू की तब भी इस तरह की मैल प्रैक्टिस जारी थी, आपने देखा जिस तरह से। और उसके बाद क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फील जो है वो भारतीय लोग के अंदर आने लगी कि नहीं भाई मुझे लड़ना है, मुझे इस तरह से किसी तरह से इससे बाहर निकलना है। तो नेशनलिज्म तब आया जब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारत का क्या हुआ, एक हो गया। जब सब पूरा भारत के लिए सेम आपका ये हो जाता है, लॉ सबके लिए सेम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सबका सेम हो जाता है, तो एक यूनिटी की भावना आ जाती है हर किसी के इसमें दिमाग में। अब क्या हुआ कि जैसे रेलवेज और रोड सिस्टम्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स लोग आ करके, तो हुआ क्या कि जैसे वो लोग ये सोच के बना रहे थे कि चलिए उन लोग का भला होगा, उनका जो रॉ मटेरियल है वो आराम से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये तो उन लोग का सही था, चलिए वो लोग सही मानते थे। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि जो आइडियाज़ होते हैं रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ वो भी बहुत स्प्रेड हुए इसके वजह से। और क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जो आया था भारत में उसके वजह से भी हम लोग जो वेस्ट का आइडियाज़ है, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इस तरह का आइडिया हम लोग सीखने लगे और वो कॉमन पीपल के पास भी इंट्रोड्यूस होने लगा। हुआ क्या कि अब इंटरनेशनल ऐसा इवेंट होता है जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हम लोग देख चुके हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन कितना बड़ा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी इसी तरह से। तो ये सब चीज़ें भारत के लोग भी इंस्पायर होने लगे, हम लोग भी लड़ सकते हैं, हम लोग बाहर निकल सकते हैं। प्लस क्या हुआ कि इंग्लिश और जो हम लोग के खुद के जो इंग्लिश का जो प्रेस था, भारत में एक इंग्लिश प्रेस चलता था क्योंकि पूरा भारत में इंग्लिश के एक इंग्लिश का कॉमन न्यूज़पेपर था, भारत पूरे भारत में प्रसारित होता था, एक वर्नैक्युलर प्रेस भी था, मतलब ये क्या बहुत वर्नैक्युलर प्रेस थे, मतलब कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन नेटिव लैंग्वेज का जो प्रेस होता वो प्रेस था। तो वो प्रेसेस का ये मतलब वो प्रेस लोग ये कर रहे थे कि वो लोग किसी तरह आदमी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आदमी आगे बढ़े, खुद से लड़ने की कोशिश करे और ब्रिटिशर्स से मतलब ब्रिटिश के चंगुल से निकलने की कोशिश करे। आगे हुआ ये कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कुछ ऐसे लाए गए जो कि नहीं लाने चाहिए थे ब्रिटिशर्स को, और हो सकता है कि यही वो बहुत बड़े बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को भारत खोना पड़ा। और देख लेते हैं क्या कि कुछ हॉस्पिटल और पार्क्स ऐसे थे जिसको कि यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया था, मतलब आप समझ सकते हैं कि खराब कंडीशन है कि अगर भारत का एक नेटिव आदमी को अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वो लोग वो हॉस्पिटल या वो पार्क नहीं जा सकता। जैसे हॉस्पिटल तो मेन बात है कि अगर आपको भाई तबीयत आपकी ख़राब है तो आप वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो बस यूरोपियंस जा सकता। तो आप समझ लीजिए कि आप बाहर अगर तड़पड़ा के कोई मर जाता है तो वो कितना मतलब ख़राब, कितनी गलत चीज़ हो जाएगी वो वहाँ पे। आगे देख लीजिए कि वायसराय लैटिन का जो पॉलिसीज था जैसे कि टैक्स बढ़ा देना और जो उनका जो दरबार था 1857 में, जो उनका दरबार था वो बहुत बड़ा था वायसराय लैटिन का, ठीक है, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटाने का वो सोच लिए थे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ हम लोग हटा देंगे ब्रिटिश गुड्स के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स जो मतलब भारत की कुछ भी रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रही थी ब्रिटिशर्स को अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में और जो उसका मटेरियल इंपोर्ट करने में उस पर जो टैक्स लग रहा था वो भी अब ब्रिटिशर्स को नहीं देना पड़ता था, मतलब भारत का इकोनॉमी पूरा डूबने वाली थी। और लॉर्ड लैटन का आया था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या हो गया था कि प्रेस के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिए थे लॉर्ड लैटन ने, और लॉर्ड लैटन का ये कहना था कि मतलब प्रेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गलत प्रेस कर लेती है, पब्लिश कर देती है, और ऐसे में क्या होता है कि अगर कुछ सही भी चीज़ होती है तो प्रेस उसको पब्लिश नहीं कर पाती है जस्ट बिकॉज कि अगर वो पब्लिश हो जाता है और ब्रिटिशर्स को देखिए क्योंकि ब्रिटिशर्स फुल कंट्रोल में थे उसको वो चीज़ ब्रिटिशर्स को गलत लगेंगी तो वो क्या करेगा, वो न्यूज़ को ही गलत बता देगा, वो न्यूज़ को ही गलत साबित कर देगा। और एट दैट कंडीशन क्या था कि अगर ऐसा फाउंड होता है तो उस कंडीशन में वो जो पूरा प्रेस है उसको ब्रिटिश टेक ओवर कर लेंगे, तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि मेरा जो भी मेरे पास जो भी एसेट है वो ब्रिटिश टेक ओवर कर दें। दूसरा आया था आर्म्स एक्ट, और इसमें ऐसा हो गया था कि इंडियंस को आर्म्स रखने का
कोई ये नहीं था, मतलब कोई प्रावधान नहीं था कि भारत भारतीय लोग आर्म्स रख सके। चलिए ये तो ठीक है, भारतीय लोग आर्म नहीं रख सकते, लेकिन दिक्कत ये कि यूरोपियंस के लिए यूरोपियंस के ऊपर ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो यूरोप से जो भी लोग आए हुए वो लोग आराम से यहाँ पे आके आर्म्स रख सकते अपने पास, लेकिन भारतीय लोग के पास ऐसा मतलब कोई भी सुविधा नहीं थी कि वो लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स रख सकें। आगे आता है सर एल्बर्ट बिल। तो सर जो एल्बर्ट बिल है वो एस्टैब्लिश किया गया था लॉर्ड रैपन के थ्रू 1883 में, और सर एल्बर्ट जो है वो लीगल एडवाइजर है द काउंसिल ऑफ इंडिया के, और स्टेटेड ये था कि जज है वो इंग्लिशमैन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा था कि जज जो है ये कुछ एक अच्छा बिल है, ठीक है ना, ये ख़राब बिल नहीं है, तो ये एक अच्छा बिल है। इसमें ये क्या था कि अब ऐसा है कि भारतीय जो जज थे, ठीक है, भारतीय जज के ऊपर मतलब ये हो सकता था कि अगर भारतीय जज या इंग्लिश जज जो भी जज बैठे हुए हैं कोर्ट में उसके ऊपर ये मतलब उनके ऊपर पूरा ये है कि वो आराम से जा करके कोई भी इंग्लिश मैन के ऊपर ये कर सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं, और इंग्लिश मैन के ऊपर केस का वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले ये था कि भारतीय लोग नहीं दे सकते, अगर इंग्लिश मैन के ऊपर इंग्लिश मैन कुछ भी गलत करता तो उसको इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स की जाती थी, लेकिन अब ये होने लगा कि भारत में ही ये चीज़ करने की बात आ गई, सर एल्बर्ट लेके आए वो। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद रिवॉर्ड्स रेज हुए। रिवॉर्ड्स कौन रेज किया? रिवॉर्ड्स रेज किए यहाँ जो इंडिया में ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस रह रहे थे वो, उन्होंने ये रिवॉल्ट रेज किया, तो ये चीज़ होने लगा। फिर थोड़ा इसमें अमेंडमेंट्स किया गया और इसको इस तरह से कर दिया गया कि अब भारत में अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बेंच बनाई जाएगी जिसमें कि कुछ इंग्लिशमैन कुछ हिंदी जो मतलब जो यहाँ के नेटिव जजेस है वो रहेंगे, और उसके बाद वो लोग दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। आगे देख लेते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का टॉपिक। तो ये टॉपिक तो आप लोग ऐसे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का जो लैंड वैल्यू है वो जो भी हम लोग कमाते थे वो ब्रिटिशर्स का ही सामान खरीदने में उड़ जाता था, जो हम लोग ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे वही चीज़ हम लोग जो कमा रहे हैं वो उसमें ही उड़ जा रहा, प्लस हम लोग का लॉस भी जा रहा, हम लोग लोन ले रहे हैं, हम लोग किसान मर रहे, तो इस तरह कुछ कंडीशन हो गया था, और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो गया था पेजेंट्री के ऊपर, तो जितना वो कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा उनको टैक्स में देना पड़ जा रहा था। और ऐसे क्या होता कि अब आप ऐसा कीजिए कि अगर आप उनको उनके ऊपर ऐसा जुर्म कर रहे तो अब यूरोपियंस के ऊपर भी कीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे सेम पोस्ट में अगर आप ब्रिटिश ऑफिसर को रखते हैं तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को ज़्यादा पैसा दिया जाता था, लेकिन वही अगर आप कोई नेटिव मतलब कोई इंडियन ऑफिसर वहाँ पे तो उसको आप कम पैसा देंगे, उनका वेज सैलरी उनका कम होता था, तो ये तो बहुत गलत बात है, और ये किसी को भी इन्फीरियॉरिटी का फीलिंग दिला देगा कि नहीं मैं तो एक कम तबका का आदमी हो जाता हूँ ना उसके सामने अगर इस तरह का कुछ होता है तो। ये इसके बाद दादा भाई नरोजी ने एक किताब लिखी ड्रेन ऑफ वेल्थ लीड पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये दादा भाई नरोजी का ये कहना था कि जो भारत का जो वेल्थ जो ड्रेन हो जाता है उसके वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में, और आज भी जो पॉवर्टी इतना हाई है इसका बहुत एक बड़ा रीज़न है कि हमारा जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, और आज भी हम लोग उसको फुलफिल करने में आज भी उसको कंपनसेट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो A.O. ह्यूज बनाए थे मुंबई में 1885 के समय में, और तुम आपका देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना था, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना था, और इसमें यह था कि ओनली इंडियन और अपर क्लास जो सोसाइटी है वो लोग इन्वॉल्व हो सकते थे। ठीक है, तो एक ऑल इंडिया एसोसिएशन का मतलब INC का आपका ये कांग्रेस का बात आने लगा कि कांग्रेस लेके आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब कांग्रेस आया तो कांग्रेस को फॉर्म किया गया, कांग्रेस को समय नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा फॉर्म की गई थी 1876 में। ठीक है, और ये INC का यहाँ पे ये बात कही जा रही कि पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन आया 1876 में जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी लेके आए, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है जो कि ए ह्यूम्स लेके आए थे 1885 में। तो INC का फॉर्मेशन हो गया था, देखिए आप INC फॉर्मेशन हो चुका है दिसंबर 1885 में, और फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, और वहाँ पे बॉम्बे में ही मुंबई जो उसमें मतलब अभी जो मुंबई है वहीं पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, और वहाँ पे 75 डेलीगेट्स के साथ मीटिंग की गई बॉम्बे में, और वहाँ पे ये प्रोसीडिंग की गई। अब देख लेते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जो एओ ह्यूम्स जो कि जिन्होंने कि ये फॉर्मेशन किया इसका इंटरनेशनल कांग्रेस का, उनका मेजर रोल था, वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे ये कि ये अलग अलग जगह में अलग अलग समय में होने लगा, मतलब इस साल कहीं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ईयर कहीं और, फिर नेक्स्ट ईयर कहीं और इसके जो मेजर पायनियर्स है, जो यहाँ जो मेजर इंसान है यहाँ पे बैठे हुए जिसके ऊपर सारा दारमदार है, वो है दादा भाई नरोजी, RC दत्त, पेरोजेसा मेहता और सुब्रमण्यम अरियर, WC बनर्जी, विरुद्दीन त्याप जी, सुधीरनाथ बनर्जी, तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि यहाँ पे मेजर लीड रोल लेके आगे बढ़ रहे थे।
अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो तरह के गुट बन चुके थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हुआ कि मॉडरेट पीरियड आया था 1885 से लेकर 1905 तक, मतलब उस समय जब INC बना उसके कुछ साल बाद, ठीक है। और INC का मेन ऑब्जेक्टिव लेके ये लीड करते थे। और यहाँ पे जो बड़े बड़े चेहरे जो आपको देखने को मिलेंगे, वो गोपाल कृष्ण जी गोखले, सुरेंद्र बनर्जी, दामन अरुजी और फिरोज शाह मित्रा मेहता, सॉरी। आगे देखिए मॉडरेट्स क्या थे। तो मॉडरेट्स का डिमांड था कि जो हमारा वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, और जो मतलब ब्रिटिशर्स कर रहे वेल्थ का ड्रेन, और प्लस जो पार्टिसिपेशन इंडिया का जो पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है भारत के ही काम में, वो चीज़ कम हो रहा है, तो वो चीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो मॉडरेट्स का ये डिमांड था। और यहाँ पे था कि मॉडरेट्स का दिमाग में एक चीज़ था कि ब्रिटिश का जो रूल है वो सही है, ठीक है। उसमें वो लोग भरोसा रखते थे कि ब्रिटिश का रूल सही है, ब्रिटिश हमारे लिए भला चीज़ लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ हैं जो चीज़ ब्रिटिशर्स को सही करनी चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव लेके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और वो लोग चाहते थे कि किस तरह रेजोल्यूशन ला करके, पिटिशन फाइल करके, आर्टिकल्स निकाल के, उसको परसुएड करके कि नहीं सर आप आइए, आप प्लीज़ किसी तरह मतलब हम लोग के चीज़ों को मतलब सही कर दीजिए, जो आप हमारे साथ कर रहे हो उसको उस तरह सही कीजिए। तो ये चीज़ था मॉडरेट्स के अंदर की, मॉडरेट्स ये चीज़ चाहते थे, ठीक है। आगे देख लेते एक्सट्रीमिस्ट क्या था। तो एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड था 1895 से लेकर 1916 तक, ठीक है। और ये इनका पीसफुल वेज नहीं था, तो ये एकदम नहीं चाहते थे कि पीसफुली काम हो, ये बस आइए आपको आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप हटिए, ठीक है। इस तरह का इनका चीज़ था, मतलब ये चाहते नहीं थे कि ब्रिटिशर्स रहें। या मॉडरेट्स का दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि ब्रिटिशर्स चलो सही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू में ब्रिटिशर्स सही है, उसके बाद क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो उसको सही करते हैं मॉडरेट्स। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल क्यों करेंगे, ये उनको गलत लगता था। और इसके लिए वो जो तरीका अपनाते थे वो तरीका इस तरह का था कि मार दो या बम ब्लास्ट कर दो, हटवा दो किसी तरह, मतलब फिजिकल वेज से। देखिए एग्रेसिव मेजर्स यूज़ करते थे वो लोग। यहाँ पे लीडर बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इस तरह के आप फेसेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और स्लोगन था उनका, स्वराज इज़ माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन आप बताइए कि ये स्लोगन किसने कहा था नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैंने आपको नाम बताया है, तो ये नाम में से ही आपको कहीं नाम मिल जाएगा, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये किसका स्लोगन है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बॉयकॉट मूवमेंट देख लेते क्या है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया वायसराय क्रूजन इन 1905। तो एट दैट पॉइंट जब मॉडरेट्स का ये ख़त्म होता है और एक्सट्रीमिस्ट आते पावर में, तब किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। और रीज़न ये दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, ठीक है। और जो बेसिक इसका मोटिव था, देखिए ऐसा था ना कि बंगाल के जो मतलब आदमी थे ना बहुत एडुकेटेड थे। आप जैसे जैसे देख लीजिए टैगोर फैमिली, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, या आप जो भी देखिएगा ना, मैंने आपको पीछे बताया है जो एडुकेशन इन ब्रिटिश रूल में, उस समय होता है कि बंगाल किस तरह से एडुकेशन में फ्लरिश था। और जब उस तरह का माइंड टोटल एंटायर इंडिया में अपना जो प्रचार कर रहा था, अपना जो ये है अपना थॉट्स आगे बढ़ा रहा था, तब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये चीज़ अगर होते रहा तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का मतलब एक कंडीशन हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट क्या किया गया कि बंगाल को अलग कर दिया भारत से, बंगाल को अलग करने का मतलब काम कर दिया। और बोला ये कि इस तरह से बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज अलग है, यहाँ का लैंग्वेज अलग, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है तो उसको अलग कंट्री बना देते हैं। तो इस तरह से पार्टीशन कर दी गई, ठीक है। तो ब्रिटिश का होम सेक्रेटरी का ही ये कहना है कि बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन डिफरेंट सेवरल वेज। पुल मतलब एक टेंशन क्रिएट कर देना। तो बंगाल यूनाइटेड एक बहुत ज़्यादा बड़ा ताकत हो जाता है। अभी जो बांग्लादेश है, जो वेस्ट बंगाल है, वो जब पहले यूनाइटेड था तो बहुत बड़ा पावर हो जाता था वो, और किसी तरह से अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये बहुत टेंशन वाला चीज़ हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो यूनिटी है वो टूट जाएगा। हमारी यूनिटी मतलब जो नेटिव इंडियंस है उनका यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बंगाल उस समय का लार्जेस्ट प्रोविंस था। आपको ही पता होगा कि उस समय बिहार, उड़ीसा, बंगाल मिला हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोविंस होगा। तो उस प्रोविंस को तोड़ा गया, और इसलिए आप देखिएगा कि वेस्ट बंगाल का पार्ट थोड़ा छोटा है और बांग्लादेश का पार्ट थोड़ा बड़ा है, जस्ट बिकॉज कि उस समय क्या था कि बिहार और उड़ीसा भी उसमें मिला हुआ था, पार्टीशन बीच से ही किया गया था। लेकिन ड्यू टू स्पैन ऑफ टाइम जब वो चीज़ और टूटने लगी, जब बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया, तब वेस्ट बंगाल बहुत छोटा हो गया। इफेक्ट्स देख लीजिए उससे क्या होता है कि मीटिंग ऑफ कलकत्ता और 1805 में मीटिंग किया था कलकत्ता में, और किसी तरह ब्रिटिश गुड्स जो स्वदेशी मूवमेंट आप देखे थे, ब्रिटिश गुड्स को छोड़ दे रहा, ब्रिटिश गुड को वर्कआउट करना, वो स्वदेशी मूवमेंट वहाँ से खड़ा होता है और वहीं से एक्सट्रीमिस्ट भी खड़े होते हैं। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट था क्या, तो यहाँ पे ये हुआ था कि लोगों को कहा जा रहा था कि आप जाकर ब्रिटिश गुड मत खरीदिए, आप ब्रिटिश गुड को मत लीजिए, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा आग लगाया गया, ब्रिटिश गुड को जला दिया गया, फॉरन का जो फॉरन क्लोथ हाउस है जहाँ पे क्लोथ रखा जाता था उसको लूट लिया गया,
वहाँ से सब सामान हटा दिया गया और स्टूडेंट्स जो थे वो ब्रिटिश कॉलेज जाना बंद कर दिए, ब्रिटिश स्कूल जाना बंद कर दिए, और खुद के अपने अंदर की शक्ति जो अमर शक्ति आत्मा शक्ति जो है अपने अंदर, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग खुद से कपड़ा बना सकते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर आने लगी और हम लोग इसके ऊपर फोर्स देने लगे कि हम लोग खुद से कर सकेंगे, ठीक है। और अपना नेशनल स्कूल सेटअप किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट किया गया 1826 में, आपको ये डेट याद रखना होगा। और जो पार्टीशन है वो कर दिया गया 1911 में, टोटली बेसिकली हो गया पार्टीशन। अब देखिए मुस्लिम लीग, तो ये जो मुस्लिम लीग है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इसी की वजह से आप आगे देखेंगे कि पाकिस्तान भारत से कैसे अलग होता है। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 में, और जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम और लैंडलॉर्ड और जो नवाब है वो लोग मिलकर ये फॉर्मेशन करते थे। देखिए पहले ये था कि मुस्लिम का जो ये है, मुस्लिम का जो पॉपुलेशन था वो कम था बहुत भारत में, तो होता क्या था कि कोई भी अगर लॉज लेके आया जाता था वो मोस्टली हिंदुइज्म के ऊपर ही लेके आया जाता था। अब होता यह था कि मुस्लिम का जो बेसिक जो राइट है वो क्या होता था कि उनको मिल नहीं पाता था क्योंकि लॉस लेके आते थे ब्रिटिशर्स। अब लॉस ब्रिटिशर्स तो खुद ही चाहते थे कि लॉस जितना कम आ सके उतना बेटर है ताकि हम लोग अच्छे से रूल कर सकें। दिक्कत ये हो रहा था कि जैसे ही मतलब वो कुछ कोई हित के लिए लॉ लेके आते थे तो वो एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए लेके आते थे, जैसे हिंदुइज्म के लिए, हिंदू के लिए लेके आ गए, उसमें क्या होता था कि मुस्लिम लोग को ये घृणा हो जाती थी कि नहीं भाई ये सही नहीं हो रहा, हम लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो सर नवाब ख्वाजा सिमुल्ला, अमीर अली और मियाँ महमूद शफी और तीन डेलीगेट्स के द्वारा मिल करके ये फॉर्मेशन किया गया। और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे वो लोग, ठीक है, कि मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब ऐसा एरिया हो जाए सेपरेट इलेक्टोरेट जहाँ पे आप एक एंटायर गवर्नमेंट चला सके, आपको वोट मतलब वहाँ के कॉमन पीपल जो है मुस्लिम वो अलग से वोट देके एक अलग गवर्नमेंट चला सके, ठीक है। तो मुस्लिम का एक टोटल अलग गवर्नमेंट वो चाहते थे, बेसिकली वो चाहते थे कि एक अलग कंट्री बन जाए, ठीक है। और इन्होंने फेवर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल की, बंगाल में उसमें बहुत मुस्लिम लोग रहते थे तो ये लोग किस तरह फेवर कर रहे थे ताकि अगर वो कंट्री अलग मतलब वो एक अलग एरिया बन जाता तो वहाँ पे मुस्लिम लोग को उनका राइट मिल जाएगा। आगे की इंडिया ऑफ काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडिया ऑफ काउंसिल एक्ट 1909 में आ जाता है और इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मतलब ये लॉर्ड मोरले और वाइसरॉय जो उसमें जो लॉर्ड थे मोरले और वाइसरॉय जो थे मिंटो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्टेड नेटिव जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में उसको बढ़ाया गया, मतलब जो यहाँ का जो लेजिस्लेचर है मतलब जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा चल रहा है तो उस समय भी यहाँ पे लेजिस्लेचर था तो उसमें जो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका मात्रा बढ़ाने की बात की गई यहां पे, ठीक है। और एक इंडियन को अपॉइंट करने की बात की गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो होता है उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को अपॉइंट करने की बात की गई, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए भी अपॉइंट करने की बात की गई कि एक अलग इलेक्टोरेट बना देंगे, एक अलग ऐसा एक एरिया बना देंगे जहां मुस्लिम खुद के गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकें और वहां बस मुस्लिम ही वोट कर सकेंगे, कोई हिंदुइज्म या कोई और कास्ट के लोग वहां पे वोट नहीं कर सकेंगे। हुआ ये कि कांग्रेस का स्प्लिट होता है और फिर वापस वो यूनाइट हो जाते, तो होता क्या कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कुछ ऐसा थॉट्स का जो आप मेल नहीं हो रहा था उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं, टेम्परेली स्प्लिट हो जाते हैं और फिर वो यूनाइट हो जाते हैं क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। यूनाइट होने के बाद होता क्या कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो चाहते थे कि किस तरह बॉयकॉट करके और किसी तरह सामान नहीं यूज़ करके हम लोग उन लोग को दिखाएं कि नहीं हम लोग बहुत गुस्सा हैं, लेकिन मॉडरेट्स ये चाहते थे कि मॉडरेट्स चाहते थे नहीं ऐसा ना हो, हम लोग मतलब किस तरह से कुछ बात करके ये चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है। तो 1987 में सूरत का सेशन होता है और एक्सट्रीमिस्ट वहाँ से अपना नाम हटा देते कि ANC में लोग नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ANC से बाहर आए थे, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो अटैक करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के लीडर को, मोस्टली क्या होता है कि तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है सेडिशन के चार्ज में, उसको 6 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है मंडले प्रिजन में जो कि बुरमा में है जो कि अब म्यांमार हो चुका है। और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है 1908 में। अब होता क्या कि 1916 में वापस से दोनों ग्रुप यूनाइट हो जाते क्योंकि उस समय ऐसा हो गया था कि एक्सट्रीमिस्ट पर टूट गया था, एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स हैं उनको उठा लिया गया था, घर से उठा लिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था, बहुतों को मार दिया गया था। तो एट दैट कंडीशन हो ये गया था कि अब किसी तरह मतलब वापस अगर हम लोग जुड़ सकते तो हम लोग बचेंगे, वरना एक्सट्रीमिस्ट का उस समय ऐसा था कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता, ठीक है। तो ANC और मुस्लिम के बीच में होता लखनऊ पैक्ट, आगे देख लेते है क्या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो है कि रिवोल्यूशनरीज जो हैं वो बहुत रिवोल्यूशन जो चाहते थे कि यहाँ पे रिवोल्यूशन हो, हम लोग अपना एग्रेशन दिखाएं,
वो लोग को बहुत दिक्कत था ANC का स्लो मेथड से, मतलब जो नेशनल कांग्रेस का जो स्लो मेथड था कि वो लोग बहुत धीरे धीरे काम करते थे बातचीत से, और पेपर वर्क से जो काम होता था वो बहुत स्लो था, तो उसकी वजह से वो बहुत मतलब अनहैप्पी थे। और वो क्या कर रहे थे कि एक अलग सोसाइटी बना लिए थे, कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे, जैसे अभी ISIS है, अलकायदा है, इस तरह का ग्रुप में क्या होता है कि कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है, वहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता है एक्सप्लोसिव और फायर आर्म्स के थ्रू। तो वही चीज़ चल रही थी यहाँ भी, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में एसोसिएशन ये काम कर रहे थे। और स्टेट्स देख लीजिएगा, मोस्टली जो इसमें घुले हुए थे वो था पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु, तो यहाँ पे ये सब चीज़ ज़्यादा हो रही थी। और रिवोल्यूशनरी ग्रुप का अगर हम नाम देखना चाहेंगे कौन कौन से रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन्वॉल्व थे, तो अनुशीलन समिति, अभिनव भारती समिति, और ये लोग चाहते थे कि किस तरह वॉयलेंस और असासिनेशन, मतलब लोगों को मार करके, मतलब ब्रिटिशर्स, मोस्टली ब्रिटिशर्स को मार करके उन लोग को भारत से हटाया जाए। अब आगे देखते हैं कौन कौन से एसासिनेशन हुए और एक्सट्रीमिस्ट ले किन किन लोगों को मारा। तो पहले देखिए चिपकार ब्रदर्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, चिपकार जो भाइयों लोग थे वो लोग मिल करके दो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को महाराष्ट्र में मार दिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, जो कि मजिस्ट्रेट थे उस समय मुजफ्फरपुर के। लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने जो बम फेंका उसकी वजह से दो वुमेन मर गई। ये 1908 का बात है। उसके बाद ये हुआ कि राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने किंग वाइसराय हेनरिस को मारने की कोशिश की, जो कि अनसक्सेसफुल थे। ये बात है कि अब आगे देख लेते हैं। तो बाहर इंडिया के बाहर से भी कुछ ऐसे रिवोल्यूशन थे जो कि काम कर रहे थे, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को और USA जो है वो लोग ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि भारत से बाहर चले गए थे, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, और वहाँ जाके वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कर रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वीकली न्यूज़पेपर का यहाँ नाम मैंने लिखा हुआ है, गादर, तो एक न्यूज़पेपर आता था बाहर से जो कि भारत के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता था कि बाहर ये चीज़ हो रहा है, आप लोग भी ये चीज़ कीजिए। और वैसे कुछ नाम आप जान लीजिए, जैसे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा है, मदन भिकाजी कामा है, और लाल लाजपत राय हैं। तो आगे देख लेते हैं आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिज्म का क्या मतलब रोल है हमारे भारत की आज़ादी में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग को भारत को हेल्प किया था कि हम लोग आज़ादी खुद के लिए मांगें, और हुआ है कि भारत का कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा हो गया, क्योंकि भारत को जो भी डिप्रिवेशन मिली थी वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी लेकिन वो चल नहीं रही थी, जो भी क्लोथ इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही थी, और जो मेटल इंडस्ट्री है टिस्को का हम लोग बात करें तो वो सब नहीं चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इसको बहुत बूस्ट मिला था कि आप रेलवे लाइंस बनाइए और आप कपड़े बनाइए, मिलिट्री के लिए कपड़े बनाइए, तो उसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत अच्छी हो गई थी। और इंडियन सोल्जर्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा था बाहर ले जाके लड़वाने के लिए। और होम रूल लीग का उस समय एस्टेब्लिशमेंट किया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलकर। एनी बेसेंट जो कि एक वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और इनका जो मेन एम था वो था कि सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग एस्टेब्लिश करें भारत में। और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको थोड़ा सा मेरा मतलब कुछ भी ख़राब लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, और ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्यों डिसलाइक किया और वो क्यों ये वीडियो अच्छा नहीं लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।